एक ज़माने में पाकिस्तान की जादुई सरजमीन में तीन दोस्त रहते थे, अली, आयशा और उमर। वो मुतजस्सिस और मेहरबान बच्चे थे जो सीखने और अपनी दुनिया को तलाश करने के शौकीन थे। ये 14 अगस्त 1947 की शाम थी और फिजा में जोशो खरोश था, क्योंकि ज़मीन अपने तवील इंतज़ार की आज़ादी हासिल करने की तैयारी कर रही थी। अली, आयशा और उमर अपने समझदार पुराने हमसाए चचा रहीम के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। इस खास दिन पर चचा रहीम ने बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया और हिम्मत, इत्तेहाद और आज़ादी की कहानी सुनाने लगे। बच्चों, चचा रहीम ने शुरू किया, कई साल पहले हमारी सरजमीन आज़ाद नहीं थी। मुख्तलिफ मज़ाहिब और पस मंज़र के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन वो एक कौम के तौर पर मुतहद रहते हुए अपने मुनफरद शिनाख्त मनाने की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने जारी रखा, इस आरज़ू के दरमियान मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल जैसे रहनुमाओं ने मुसलमानों के लिए अलग वतन के अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए अनथक मेहनत की। एक ऐसा मुआशरा जहां हर कोई अपने अकायद पर आज़ादाना अमल कर सके। तजस्सुस के साथ आंखें फैली हुई थी, अली, आयशा और उमर गौर से सुन रहे थे जब चचा रहीम ने आज़ादी के लिए लड़ने वालों की चैलेंजों और कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने इन्हें इन लातादाद अफराद के बारे में बताया जो इकट्ठे हुए मुश्किलात का सामना करते हुए इत्तेहाद और लचक का मुजाहरा किया। चचा रहीम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जैसे ही 14 अगस्त 1947 की आधी रात को घड़ी आई, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। अली, आयशा और उमर ने कहानी से गहरा ताल्लुक महसूस किया। उन्होंने इत्तेहाद की अहमियत को देखा, ना सिर्फ अपनी बरादरी के अंदर बल्कि अपने इर्द गिर्द के हर अफराद के। हिम्मत की कहानियों से मुतासिर होकर उन्होंने अपने पड़ोस में बच्चों के लिए एक खसूसी तकरीब मुनक्कद करने का फ़ैसला किया। उन्होंने रंग बिरंगे झंडे बनाए, इत्तेहाद के गीत गाए और ये कहानियाँ सुनाने में गुजारे कि किस तरह मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। योम आज़ादी के मौके पर बच्चे एक पार्क में इकट्ठे हुए फ़ख्र से झंडे लहरा रहे थे और उम्मीद के गीत गा रहे थे, जैसा कि उन्होंने एक साथ जश्न मनाया। उन्होंने महसूस किया कि तनु इनकी ताकत है। माजी के रहनुमाओं की तरह इनका ख्याल था कि इत्तेहाद इनकी प्यारी कौम की तरक्की और खुशहाली का बाइस बन सकता है। चचा रहीम ने फख्र से देखा, इनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। उन्होंने कहा कि आप बच्चों ने हमारी आज़ादी की रूह को सही मायनों में समझा है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इत्तेहाद, एहतराम और मेहरबानी को अपना कर आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि एक हम आहंग और खुशहाल कौम का ख्वाब जिंदा रहेगा। और इस तरह अली, आयशा और उमर का जश्न एक सालाना रवायत बन गया। हर साल मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होते, इन इकदार के बारे में सीखते जिन्होंने इनकी कौम की तश्कील की और भरपूर जश्न मनाया जिसने पाकिस्तान को मुनफरिद बनाया। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे जिम्मेदार शहरी बनते गए, इत्तेहाद और आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ते रहे। इनकी कहानी पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी की तरह आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। और इसी तरह प्यारे बच्चों, याद रखें कि इत्तेहाद का जज्बा और एक बेहतर दुनिया का ख्वाब आप में से हर एक में जिंदा है, जैसा कि अली, आयशा और उमर ने दिखाया। एक दूसरे का एहतराम करने और मिलकर काम करने से आप लामतनाही इम्कानात से भरा हुआ मुस्तकबिल बना सकते हैं। योम आज़ादी मुबारक हो।